एक तो पेंडेमिक, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद शॉपिंग, और उस शॉपिंग के कॉन्सिक्वेंसेस एग्जैक्टली वही हुए जो इस वीडियो का टाइटल है। आज मेरे बालों का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि मैं आज मजाक उड़ाने के बहुत सारे और रीजंस देने वाली हूँ। फ्रॉड है गाइस, फुल फ्रॉड। हम लोग अब शॉपिंग करेंगे नहीं, बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी होने के नाते मैंने ये सोचा कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी, एंड यू ऑलरेडी नो बाय द टाइटल फिर हमारे साथ क्या हुआ होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो मैंने एक शॉप से करी ऑनलाइन बाइंग विच वॉज नेम्ड आइकन क्लोथिंग। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। मैंने इनके पैसे जाया कर ही लिए, तो क्यों ना मैं बाकी सबको ये बताऊं कि क्या नहीं करना ऑनलाइन शॉपिंग में। तो मैंने सस्ते के मारे एक जगह पे देखा कि 1300 में दो डेनिम जैकेट्स मिल रही हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुझे लगा था, मुझे भी लगा था कि ओ माय गॉड, दैट इज लाइक द बेस्ट सेल यू कैन गेट ऑनलाइन, बट आई वाज सो रॉन्ग। आई वाज लाइक यस, मैं ये पहन के आई विल लुक अमेजिंग, बॉम लगूंगी मैं। और फिर आपकी बहन ने कर ली शॉपिंग, एंड उसके बाद हमें डिलीवर हो गया। एंड जब मुझे डिलीवर हुआ तो आई वाज लाइक यस यस, और हमें 1300 का बिल था जो कि हमें जिसके 2000 देने पड़े। इससे पहले कि आप सब मुझे गालियां दें कि आपने 1300 के 2000 क्यों दिए, मैं इस चीज को इन माय डिफेंस क्लियर कर लूं कि मैंने दो जगहों से चीजें मंगवाई हुई थी, तो दूसरी वाली जगह थी उसके मुझे 2000 देने थे। तो मैंने बोला कि चलो खैर, हो सकता है वो वाली चीज आई हो। आई डिड नॉट आस्क फॉर द नेम ऑफ द शॉप, आई जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली गेव द पर्सन 2000 रुपीज, जो चीज थी 1300 की। उसके बाद मैंने अपनी बहन के साथ वो खोला, एंड जब मैंने खोला मैंने क्या, ओह माय गॉड, कपड़े आ गए। मैंने ओ माय गॉड, ये दो पैकेजेस रिसीव हुए, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि फाइनली मेरी वो चीजें आ गई होंगी विच आई पेड अ लॉट फॉर। सो आई ये बाहर निकला था, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट्स द लॉन्ग डेनिम जैकेट, एंड गेस व्हाट, इट्स नॉट अ लॉन्ग डेनिम जैकेट। सबसे पहला तो हमें मिलता है ये कचरा। खैर हो गई, अगर मैं बाहर नहीं जा सकती तो एटलीस्ट मैं ब्लॉग में तो अपना मजाक बना सकती हूँ ना, सो व्हाई नॉट। अच्छा, ये है बच्चे की जैकेट। ये कहाँ से मेरे साइज की लग रही है, लाइक आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी, आई क्लियरली सेड मीडियम साइज। फुल पैकेज में आई है ये थैली में समथिंग, जो कि आई मीन लव, आई नेवर नेवर ऑर्डर्ड दिस, आई नेवर एवर ऑर्डर्ड। मेरे पास जो तीसरी चीज आई जो कि मैंने कभी ऑर्डर नहीं करी थी, स्टेटिंग द फैक्ट्स, इज अ जीन्स। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि जीन्स मेरे साइज की होगी, आई प्रोबेबली वेयर इट समवेयर, आई मीन थिंक अगेन, व्हाट प्रेजेंटिंग, मेरी बहन जिसने कभी इसके लिए साइन अप नहीं किया था, लेकिन अब इसको करना पड़ेगा। नो नोबडी इज गोना हेल्प यू, अब जाती होती है तुम्हारे साथ, जाती नहीं, नेवर साइन अप फॉर दिस। ओके, तो सैरिस तुम क्या सैरिस तुम क्या पहनने वाली हो? जीन्स, आई गो फॉर द जीन्स। ओके देन सैरिस, क्या राय है आपकी इस जीन्स के बारे में? वेल इट्स समथिंग या तो बंदा सोचे कि चलो नहीं आई है, हम किसी मोटे इंसान को दे देंगे जो गिफ्ट कर देंगे, एंड ही इज और शी इज गोइंग टू बी लाइक थैंक यू, इट इज सच अ थॉटफुल गिफ्ट। एंड नहीं, एक होता है यूज्ड कपड़े जो आपको लंडे में जुम्मा बाजार, पीर बाजार, मंगल बाजार पे मिल जाते हैं, और फिर एक होते हैं एक्सट्रीमली यूज्ड कपड़े जिसको वो धोने की भी सहमति करता है। इट इज प्री लव्ड, लाइक ऑन द एक्सट्रीम। ओ देखो साइड पे मेरी पानी की बॉटल और ग्लास भी आ रही है। एनीवेज मैं इस वीडियो को दोबारा से शूट नहीं करूंगी, तो मैं इसको नहीं हटा रही। एंड द मोमेंट यू हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर, मॉडल फॉर अ सैरिस, ये फॉलो मी फॉर मोर वेट लॉस टिप्स डियर। आई मीन इधर आई थिंक मैं भी फिट आ सकती हूँ अगर हम लोग ज्यादा कोशिश करें।
ओके भाई, आई कैन स्मगल कैट्स इन हियर. हाँ, इधर तीन चार बिल्लियां हमारी रख के तुम जा सकते हो. एंड इट लुक्स इट सेरिस दो चार मॉडल पोजेस. पोज पोज फॉर अस. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सेरिस अपनी पेन संभालते हुए. You look like a hobo. I'm a clown. It's a beauty, but it's a short. Yeah. So, icon clothing, Balo. It's, हम लोगों को इट्स आइकॉनिक ऑलराइट, डेफिनेटली आइकॉनिक भाई. हम लोगों ने आपके कपड़ों की मॉडलिंग भी कर दी है, तो बराए मेहरबानी इसको रिफंड कर दे. अगर मैं एक छोटा सा बच्चा होती तो मैं ये जरूर पहनती. आप तो छोटा सा बच्चा है. मुझे कहीं से आ नहीं रहा, बट और Help me guys. मुझे नहीं पता इसका दूसरा हाथ कहाँ है. Technical difficulties. Ladies and gentlemen, मैं पर्ट कौन सिगार थोड़ा सा पीछे देखिए. I am stuck. मैं हाथ हिलाने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से बहुत टाइट है, मतलब बहुत टाइट है. एंड इट हार्डली कवर्स एनीथिंग. मुझे इसमें प्रोबेबली सर्दी लगेगी, लेकिन ये मैं कहीं नहीं पहनूंगी. मैंने ब्लॉक के लिए पहना है, बिकॉज व्हाई नॉट. सो गाइस, ये वाली जैकेट, ये और ने आई वोट इट. ये सही है. नो, मेरे को कोई इसमें से निकाल. यार मैं फंस गई हूँ, मैं फंस गई हूँ. अच्छा कोई निकाल तो दो यार, हंसना बंद करो मुझे. I think we're experiencing some issues. Oh my god, BRB. Number one, किसी नून पेज से करें जिसके ऊपर एंग्री रिएक्ट हो ना, बहुत सारी पिक्चर्स के ऊपर. उन पिक्चर्स से कुछ भी अगर अच्छा भी लग रहा हो और अगर वो सस्ता भी है तो उसे खरीदा नहीं है. नंबर टू, अगर आपके साथ फ्रॉड हो ही गया है तो सोशल मीडिया पे रोने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग सिर्फ आपके ऊपर हंसेंगे. टिप नंबर थ्री, अगर आपके पास कोई पैकेज आता है ना, तो आप ये कंफर्म कर लें कि कौन सी शॉप से आया है. तो आप पैसे उसको उतने ही दो जितने हैं, ये नहीं कि आप 1300 रुपये की चीज के 2000 रुपये दे दो. टिप नंबर फोर, सिर्फ इसलिए कि कोई क्यूट सी चीज सस्ते में मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो लेनी चाहिए. और अगर आप वो लेते हो तो बी रेडी फॉर सम सीरियस फॉर दिस. और आपको उसके साथ एक गिफ्ट भी मिल सकता है, जो कि मुझे ये मिला. एंड मैं इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ. इफ यू थिंक इट्स टू गुड टू बी ट्रू, डोंट गो फॉर इट. इट प्रोबेबली इज. या तो फिर इस हादसे के बाद एक रिस्पॉन्सिबल चेहरी होने के नाते मैंने ये सोचा कि मैं इसको क्यों ना एक पाकिस्तानी अप्रोच से डील करूं. तो मैंने इनको बहुत सारे मैसेजेस किए सेइंग दैट आपने मेरे पैसे वापस किए. एंड यू नो व्हाट दे रिस्पोंडेड के आपने 1300 की चीज़ के 2000 रुपये क्यों दिए. He's got a point. And dude, that is not what I mean. I mean, that's not the problem here. The problem is that you are literally selling bad quality stuff. Even अगर किसी ने ये मंगवाया भी होता तो I mean look, इसके colors भी उड़े हुए हैं जगह जगह से. And it is pre-loved. Yeah, it's like it's not even pre-loved. मेरे ख्याल से ये जो पता नहीं क्या यार, मैं इसको I would just call it trash. तो मैंने इन लोगों को जो है बहुत सारी गालियाँ दी, जो कि मैं सेंसर करके दिखाऊंगी आप लोगों को इसके अंदर, बिकॉज बट उसके बाद मैंने जब इनको बहुत सारी गालियाँ दी तो फिर इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया. और ब्लॉक होने के बाद अपनी फुल ऑन बेइज्जती करवाने के बाद मैंने दूसरा अप्रोच यूज किया, वो था कि फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जगह जगह जाके बोला मेरे साथ फ्रॉड हो गया है. हाँ, मेरे 2000 रुपये वापस करो. लेकिन गेस व्हाट, आज दिन तक वो 2000 रुपये वापस मिले. I think the vlog was worth it though.
मुझे नहीं पता. We got some really cool beauty shorts. तो इफ प्रोफेशनल मॉडल अगर आपको इस तरह के बेवकूफाना मेरी हरकतें देखनी है तो फॉलो मी फॉर मोर स्टुपिडिटी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ट्रैशी स्टफ जो कि मैं प्रोबेबली बाय करूंगी. तो मैंने इससे क्या सीखा? कुछ नहीं. क्या मैं ये दोबारा करूंगी? प्रोबेबली. और क्या मैं उसके ऊपर भी ब्लॉक कराऊंगी? जाहिर है. तो या Tune in for an other weird episode of some other shit I do, जिसका ऊपर मैं हर किसी को बताना लाजमी समझती हूँ. So yeah, catch you next time.